मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में खुले बोरवेल की सूचना देने वालों को मंदसौर के पूर्व विधायक करेंगे सम्मान। मंदसौर शहर के मेघदूत व यशनगर क्षेत्र में दो खुले बोरवेल की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से मंदसौर विधानसभा के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को मिली। सिसोदिया द्वारा ध्यान आकर्षण कराने के बाद प्रशासन ने दोनों बोरवेल को सीमेंट कंक्रीट करके बंद किया। खुले बोरवेल से मासूम या किसी को जान नहीं गंवाना पड़े, इसके लिए मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सिसोदिया ने बीते दिनों नवाचार करते हुए खुले बोरवेल का फोटो और सूचना देने वालों को पुरस्कार देने व सम्मान करने की घोषणा की थी। अब इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। सिसोदिया ने सोमवार सुबह सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि वार्ड क्रमांक 39 में एकदूत नगर के हनुमान मंदिर पानी की टंकी के पास तथा यश नगर में सुयश विहार रामेश्वर मंदिर के पास ये दो ट्यूबवेल खुले होकर जानलेवा हो सकते हैं। कलेक्टर व SP इसे संज्ञान में लें तथा आवश्यक कार्य के निर्देश जारी करें एवं कहा कि मुझे यह जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शैलेंद्र सिंह राठौर तथा डॉक्टर गौतम वाता के माध्यम से प्राप्त हुई है। दोनों ने चिंता जताई, इसके लिए धन्यवाद। सूचना के बाद प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर दोनों खुले बोरवेल को बंद किया है। पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि मैं इन दोनों महानुभवों को सम्मानित भी करूंगा एवं पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि देश भर की एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की चिंता है। अनूप योगी बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं जिससे बच्चे गिरने के मामले सामने आते हैं और बच्चे मौत के काल में समा जाते हैं और सेना को भी कार्य में जुटना पड़ता है एवं मुख्यमंत्री जी और DGP को भी ट्वीट किया गया है। आ रहा है कि बोरवेल जो खुले रहते हैं उसमें लगातार बच्चे गिर जाते हैं, इससे उनकी मौत भी हो जाती है। ऐसा ही मामला एक ताजा सामने आया था, एक आपने घोषणा की, क्या कहना चाहिए? देखिए, देश भर की चिंता का विषय है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में, महानगरों में जो ट्यूबवेल के बोर जब कोलैप्स हो जाते हैं या अनुपयोगी हो जाते हैं तब उसके बोर को खुला छोड़ देते हैं और कमोबेश इनके कारण से दर्दनाक स्थितियाँ निर्मित हो जाती है। काल के गाल में बच्चे समा जाते हैं, सेना को लगना पड़ता है, बोर को नीचे तक अंडरग्राउंड तक खोदना पड़ता है। प्रोक्लेन मशीन है, JCB मशीन है, रात रात भर मेहनत करना पड़ती है और अंततः वो बच्चा अपने हाथ से चला जाता है। तो मेरे को लगा कि लोगों में जागृति पैदा करने को लेकर के एक मैंने अपने सोशल अकाउंट से मैंने इस बात की घोषणा करी है, इस बात का प्रयत्न किया कि जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस स्थान पर मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में अगर कहीं ओपन बोरवेल है, खुला बोरवेल है और वो घातक हो सकता है, उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, मुझे सूचित करें, फोटोग्राफ भेजे ताकि मैं उसको बंद करवाने का भी काम करूँ और जो मुझे इस बार इस प्रकार की सूचना देगा उसको मैं पुरस्कृत भी करूँगा, सम्मान निधि भी दूंगा उसको मेरे से जो उसको। लेकिन कल परसों जब मैं रात को देख रहा था तो एक व्हाट्सएप ग्रुप पर यश नगर और मेघदूत नगर के दो खुले ट्यूबवेलों के फोटो आ रहे थे और आपस में लोग संवाद कर रहे थे कि ये खुला बोर जानलेवा हो सकता है। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। मैंने रात को ही लगभग 11 बजे कलेक्टर साहब को यश नगर का एक बोरवेल और एक मेघदूत नगर का बोरवेल दोनों के फोटोग्राफ जो मुझे प्राप्त हुए थे वो मैंने कलेक्टर को फॉरवर्ड किया, मैंने ट्वीट भी किया सुबह, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी टेक किया, DGP को भी टेक किया और अंततः मेघदूत नगर का और यश नगर का तत्काल प्रभाव से प्रशासन एक्टिव रहा और उन्होंने दोनों बोर को बंद कर दिया। अब देखिए, जागरूकता अगर होगी तो हम तत्काल समय पर उन ओपन बोरवेल को बंद कर देंगे और काल के गाल में जो बच्चे समा रहे हैं उनको कहने की रोक लगेगी। धन्यवाद।